निमाड़ के जनप्रिय नेता और बीजेपी संगठन का मजबूत आधार माने जाने वाले सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज होने लगी है। जहां निमाड़ के गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस के कई नाम भी अब सामने आने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नंदू भैया के जाने से निमाड़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नंदू भैया के निधन से खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज। निमाड़ के सियासी गलियारों में चलने लगे कई दावेदारों के नाम। दमोह उपचुनाव के बाद खंडवा उपचुनाव होने की संभावना तेज। निमाड़ में बीजेपी की नैया कहलाने वाले दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से खंडवा लोकसभा सीट खाली हुई है, जहां अब धीरे धीरे उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज होती सुनाई पड़ रही है। वहीं इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी की बात करें तो नंदू भैया के जाने के बाद यहां से अर्चना चिटनिस, दीपक जोशी और खुद नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान के नाम की चर्चाएं तेज हैं। जहां अर्चना चिटनिस को सत्ता से लेकर संगठन तक का अनुभव है, तो वहीं दीपक जोशी भी शिवराज सरकार में मंत्री की भूमिका अदा कर चुके हैं। वहीं निमाड़ के युवाओं में हर्षवर्धन सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जिसके लिए युवा अपना पूरा दम लगाते दिखाई दे सकते हैं। वहीं यदि कांग्रेस की बात की जाए तो यहां से एकमात्र नाम सभी नामों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि अरुण यादव का है, जिन्होंने पहले भी खंडवा का नेतृत्व लोकसभा में किया है। साथ ही अरुण यादव की गिनती निमाड़ के उन कद्दावर नेताओं में होती है जो काफी हद तक निमाड़ की जनता का दिल जीतने का दम रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो खंडवा का ये उपचुनाव ना सिर्फ सांसद बनने के लिए होना है बल्कि यही वो चुनाव होगा जहां से निमाड़ का नया नेतृत्व निकलेगा और आने वाले समय में निमाड़ के विकास को एक नई गति देता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।